तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता रानी के पास से होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो गाइस, नए दिन के साथ नई ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज है धनतेरस। तो गाइस, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। तो इस टाइम मैं कमल भाई की तरफ आया था। तो थोड़ा मेरे कुछ काम था, तो कमल भाई बता रहे हैं थोड़ी देर मार्केट गाइस। तो आप लोग तो आज आपको मार्केट की भीड़ भी दिखाते हैं, मार्केट में कैसी भीड़ होती है गाइस। तो पिथौरागढ़ में दिवाली का माहौल, तो गाइस वो भी दिखाते हैं आप लोगों को अभी। और थोड़ी देर में कमल भाई निकलते हैं गाइस। तो मिलते हैं आप लोग को अब कहाँ, मेन मार्केट में। तो गाइस, जस्ट आ चुका हूँ मैं आपका देसी बिल्डिंग की तरफ। तो आपको बताएं तो यहाँ पटाखों की दुकानें लगी हैं, तो यहाँ काफ़ी सारे शॉपें लगे हैं। आपको बताएं तो पटाखों की। और आज कई दिन बाद गाइस, तो दादा ब्लॉग में देखो, तो कई दिन बाद दादा, कल दादा कल होता था जस्ट भाई और दोनों भाई। तुम बड़ा से देखो गाइस, पहली बार फर्स्ट टाइम ब्लॉग में, तो देख लो गाइस मैं तुमसे क्या करता था। तो दादा भी जस्ट कल पहुँचा था, आपको बताएं तो कलांजिला से यार। और आपको बताएं तो कम्बू और मैं अभी आ चुके हैं, आपको बताएं तो देसी बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि अभी हम थोड़ा लेट इसलिए हो गए थे यार, क्योंकि मैंने कल की वीडियो अपलोड करनी थी जो अभी साढ़े में चली थी, उसका समापन हो चुका था गाइस, आप लोगों को पता है। और जैसे आप देख सकते हैं गाइस, तो ये है फील्ड। तो जैसे यहीं पटाखों की शॉपें लगी है गाइस, तो देख सकते हैं आप लोग काफ़ी सारी शॉपें हैं पटाखों की यार। तो अंदर की तरफ देख सकते हैं आप लोगों को, तो दिखाते हैं अंदर की तरफ भी। तो आए देख सकते हैं देसी बिल्डिंग में काफ़ी सारी भीड़ दिख रही होगी आपको यहाँ पटाखे में, देख सकते हैं यार। तो काफ़ी लोग आ रहे पटाखे लेने, और देख सकते हैं आपके शॉप पे तो काफ़ी सारी शॉपें लगी हैं यार, दिख रहा हूँ आपको गाइस। तो मैं भी फर्स्ट टाइम आया था भाई गाइस शॉप है, आपको बताया तो दो दिन हो चुके हैं, तो दो दिन हो चुके हैं गाइस सबको। तो आए देख सकते भाई, क्या ना पटाखे तो जैसे मंदिर कम्बू वाले भी आए थे, आपको बताया तो यार घूमने आपको। तो दस यहाँ देखा तो काफ़ी सारी शॉपें और काफ़ी सारी भीड़ भाड़ है आपको दिख रहा होगा। तो हम भी फर्स्ट टाइम यार, आपको बताया तो गाइस हर जगह फैन, फुल फैन हर जगह, तो भाई दिख रहा है, तो मिलते दिख ही सकते हैं गाइस। तो गाइस थोड़ी देर घूमते कमल भाई वाला भी, तो उसके बाद मिलते आप लोगों को। तो गाइस देख रहे काफ़ी बड़ी शॉप लगी आपको दिख ही रहा होगा गाइस, जो पिथौरागढ़ में देवसी फील्ड में, तो पड़ाऊ की काफ़ी बड़ी शॉप रहा है आपको बताऊँ तो। तो हम भी फर्स्ट टाइम आया कम्बू भाई और मैं भी, तो दिख ही रहा होगा गाइस, तो काफ़ी सही लग रहा है आपको बताएं तो। बिसाड़ी की रामला के बाद आइस का ब्लॉग आइस, तो दिख रहा होगा आपको यार। तो जैसे कम्बू भाई और मैं भी अभी आया था, आपको बताएं तो, और देख सकते काफ़ी चहल पहल है। अब थोड़ी देर में कम्बू भाई और मैं भी यहाँ से निकल जाएंगे देव से अभी आपका गाई चौक की तरफ गाइस। तो चलते हैं गाई चौक की तरफ। तो गाइस बताएं तो यार, काफ़ी सारी भीड़ है आपको बताया था, वैसे सीढ़ी से ऊपर सीढ़ी से आते आते कम्बू भाई में वहीं पर अड़े जा रहे हैं। तो आपको बताएं तो काफ़ी सारी भीड़ है, और अभी आपको बताया सिपाल वाली गली में है। तो जस्ट कम भाई अंदर से ऊपर से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत भीड़ है ऊपर। मेन जो मार्केट है आपको गाय चौक में, अभी मेन गाय चौक में मिलता है आप लोगों को, वैसे दिखाते हैं मेन गाय चौक का हाल भी अभी, जो अभी दिवाली के टाइम में गाइस दौड़ का हाल मार्केट का भी। आपको बताऊँ चहल पहल तो काफ़ी सारी है बताऊँ तो रियल में यार। तो सिलदा में भी काफ़ी चहल पहल थी, और जो भी पटाखों की दुकान लगी है जो देव से फील्ड में गाइस, तो यहाँ भी काफ़ी चहल पहल आपको बताएं तो। और जस्ट जा रहे हैं कम भाई और मैं आपको गाय चौक की तरफ, क्योंकि क्या धनतेरस है, और आपको बताएं दिवाली के टाइम में काफ़ी भीड़ लगी थी मैं बताऊँ तो यार। तो गाय चौक में तो गाइस चलते हैं मेन मार्केट में, तो आप लोग वहाँ भी दिखाते हैं। तो गाइस गाइस चौक तक पहुंच गए, और आपको बताया तो काफ़ी सारी भीड़ है यार, काफ़ी संख्या में आपको बताया तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो इस चक्कर से कम आया और समझ में नहीं आ रही कहाँ से ब्लॉग शूट करें गाइस। और देख सकते हैं शॉपों में, देख सकते हैं यार, तो शॉपों में तो काफ़ी सारी भीड़ दिख रही है गाइस आपको यार, लगभग आपको देखिए मैं बताऊँ तो गाइस चौक में आपको लोकल आइटम से लेकर सब कुछ मिल जाएगा गाइस। तो आपको बताइए गाइस, हम ज़्यादातर लोकल मार्केट में प्रमोट करते हैं इस चक्कर से। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी शॉपें लगी हैं यार गाइस। तो जैसे भी हम लोग पहुँचे हैं कम आया और मैं, तो आज हमारा भी मौका मिल गया था, क्योंकि इससे पहले भी साड़ी की चल रही थी, तो आपको बताया गाइस, तो हम पीछे कहीं और के ब्लॉग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सीरीज चलती है, तो उसकी सीरीज के दौरान हम बीच में ब्लॉग नहीं कर पाते हैं दूसरी जगह का। तो देख सकते हैं गाइस, तो आज आपको पिथौरागढ़ की मार्केट भी दिखा रहे हैं, तो आज मार्केट में गाइस तो धनतेरस के दिन काफ़ी चहल पहल आपको बताएं तो। तो देख सकते हैं गाइस, तो थोड़ी देर में निकलते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में गाइस। तो एक बार पहले गाय चौक का रोल दिखाते हैं आपको। तो गाइस देखो, तो गाइस जब मैं बताया था आपको काफ़ी सारी भीड़ है गाइस, तो आप लोग दिख रहा होगा यार गाइस, तो काफ़ी सारी भीड़ है। तो देख सकते हैं जैसे कम भाई और मैं भी आए थे अभी, अभी जैसे अभी पहुँचे हैं आपको बताएं तो, और सिमल वाले रस्ते में गाइस तो दिख रहा होगा भीड़। और मेन गाय चौक में तो यार गाइस क्या बताऊँ, क्या क्लाउड रहता है हमेशा। तो जैसे अभी भी काफ़ी सारे लाउड आपको दिख रहा होगा, काफ़ी सारी शॉपें लगी हैं यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसमें दिवाली का आइटम है गाइस, तो जो सुधाने के आइटम है तो लगभग सब आइटम मिलेंगे आपको। और जैसे लोकल आइटम से कहें तो लोकल आइटम मोमबत्ती वोमती या कई आइटम से इसमें दिख रही होंगे आप यार। और यहाँ पर सारे काफ़ी कम में बताऊँ तो काफ़ी सारे शॉपें लगी हैं दिख रही होंगे आपको। और एक तरफ या तो सब्जी का लगता है, और तो दूसरी तरफ देखें तो जितने दिवाली का आइटम लगभग हर शॉप का आपको सामान, हर सामान मिलेगा गाइस, दिख रहा होगा यार। तो काफ़ी टाइम बाद में अभी आएगा आए साथ गाइस चौक की तरफ, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग कर लें, तो देख सकते हैं आप लोग जस्ट। तो निकल ले गाइस यहाँ से सिमलियार की ओर, मोबाइल में आपका गाइस चौक से, तो जस्ट आ चुके हैं आपका सिमलियार की तरफ।
और सिंपल कैमरे में बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा लाउड है यहाँ भी आप बताए तो आज हमने सही है कितना लाउड कम होगा कमाया हमने और जस्ट क्या इतना लाउड है ये कैसे क्या बताए कहीं कहूँ भाई मज़ा आ रहा है आज तू दी अली के टाइम काफ़ी दिन बाद आए दोनों भाई कैसा लग रहा है बढ़िया बता रहे फुल मुंबई और देख सकते हैं गाइस तस्वीर हम सिंपल की तरफ आपको बताया तो और काफ़ी चहल पहल है मार्केट में बताए तो यार आपको दिखाऊँ तो देख सकते हैं चहल पहल काफ़ी ज़्यादा है गाइस चारों तरफ से लगभग हर जगह से पब्लिक पब्लिक आपको बताऊँ तो देख सकते हैं जो शिमलगढ़ की मार्केट है तो गाइस मार्केट में कम बताऊँ तो काफ़ी सा लगभग 24 घंटे लगभग 24 घंटे का गाइस तो लाउड ही रहता है यहाँ बताएं तो हमेशा और शिमलगढ़ जो अपनी है तो गाइस तो जान है आपको दिखी बताइए गाइस तो शिमलगढ़ पिरावड़ की पूरी जान है तो देख सकते हैं गाइस तो दस्ट कमल भाई और मैं भी आ चुके अभी और देख सकते मेघना स्वीट से गाइस तो काफ़ी तगड़ा है बताएं तो और काफ़ी तगड़ा सराबी रखा है देख सकते हैं यार आप लोग और शॉपें तो काफ़ी सारी लगी दिख रहा होगा आपको गाइस तो चलते हैं यहाँ से भी क्योंकि यहाँ को थोड़ी देर हम वैसे टहलने आए थे कम मोबाइल में ज़्यादा क्योंकि काम नहीं था हमारा लेकिन वैसे आगे थे हम लोग हमने से कि ब्लॉग कर ले करके आज यहाँ का और लेकिन शिमलगढ़ में लाउड है तो गाइस आपको दिख ही रहा होगा तो आगे तक लाउड यार तो गाइस निकलते हैं यहाँ से पुरानी बाजार की तरफ अब तो गाइस शिमलगढ़ से निकल चुके थे हम दस टाइम आपका तो पुरानी बाजार की तरफ तो पुरानी बाजार में काफ़ी लाउड रहता है दिवाली के टाइम आपको बताया तो यार मार्केट में और जो ये मार्केट है तो मेन मार्केट है आपको बताया तो दौड़ के यार तो काफ़ी सारे लोग सब लोग शॉपिंग करने आते गाइस आपको बताया तो यहाँ और जैसे आपको बताया तो लाउड काफ़ी तगड़ा है मैं बताऊँ यार गाल चौक के गाइस वही लाउड और जैसे शिमलगढ़ गए तो वही लाउड और यहाँ पहुँचे तो कमल भाई वही लाउड गाइस आपको बताया जैसे कमल भाई भी आए बताए तो इसलिए गाइस आपको भी दिखा दे पुरानी बाजार का लाउड ये देखो फुल शॉपिंग चल रही है गाइस लोगों की यहाँ तो आज आपको बताया गाइस धनतेरस है तो काफ़ी सारे लोग आपको बताए मार्केट आए होंगे गाइस तो आज काफ़ी सारा भीड़ है आपको दिख ही रहा होगा तो जैसे कमल भाई मैंने सोचा कि आज हम भी चल रहे हैं मार्केट की टूर तो जैसे कमल भाई और मैं आ चुके थे मार्केट की ओर दे सकते हैं कमल भाई भी काफ़ी दिन बाद ब्लॉग में लिखा हुआ यार आपको हाँ जी जी भी साड़ी ग्राम में एक दिन आया था भाई तो उसके बाद आया नहीं आपको बताएं तो और ये देख सकते हैं गाइस ये थोक की दुकान है तो इसमें तो गाइस 24 घंटे भी रहती है हमेशा मैं बताऊँ तो देखो और आइटम ऐसे देते हैं कि बताओ फर्जी आइटम देते हैं और 24 घंटे भी रहती है मैं बताऊँ तो रियल में मैं कई बार ट्राई किया यहाँ का आइटम गाइस तो देख सकते हैं यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे जस्ट यहीं तक गए थे हम लोग तो यहाँ से निकल लें ऊपर की ओर अब तो ड्राइवर को हमने पार्क किया है आपका देवसी फील्ड की तरफ में तो जैसे हम देवसी फील्ड निकलेंगे गाइस पहले तो पहले कुछ खाते देखते हैं कमल भाई और मैं क्योंकि मेरे को भूख लग रही है यार क्योंकि मैं विसाड़ गया था क्योंकि मैं मॉर्निंग के टाइम विसाड़ गया था तो उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला तो जस्ट अभी आया था मैं तो जैसे भी हम मार्केट पहुँचे थे कमल भाई और मैं तो पहले मैं सके पहले ब्लॉक कर लेंगे गाइस तो उसके बाद अंधेरा होता है ब्लॉक नहीं कर पाता उसके बाद तो हम सके पहले ब्लॉक कर लें तो उसके बाद देखते हैं चलते हैं गाइस कहीं कुछ खाते हैं तो उसके बाद मिलते हैं आपको गाइस हम दोनों डाल दें कमल भाई और मैं डाल दें मोमो मिलिया लेकिन यार आपको बताएं तो मोमो मिलिया की ऐसी किस्मत है कि आपको ब्लॉक भी नहीं आ पाएगा सही किस्मत है गाइस तो अंदर इतना है कि अंदर पूरी सीट कोई खाली नहीं है गाइस तो इस चक्कर से हम लोग आगे थे कमल भाई और मैं तो हमने अंदर पूछा अंदर देखा तो अंदर सीटें खाली नहीं थी यार तो हमने सोचा कि आप मोमो मिलिया के मोमो ट्राई करते करिए गाइस तो खाली था नहीं तो इसे कर से दोनों आगे थे तो जस्ट अभी आ रहे हैं अभी कोई और शॉप देखते हैं तो कहीं और कुछ और भी ट्राई करेंगे गाइस तो देखते हैं अभी क्या ट्राई करते हैं तो आप लोग भी दिखाते हैं गाइस तो आपको बताया जैसे मैं गाइस पहुंच चुका था तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिर है हमारे तो दादा है गाइस तो आपने दादा को पहले भी देखा होगा ब्लॉग मेरे तो गाइस दादा ने यहाँ पर आपको बताया मोमबत्ती शॉप पर डाल लिया है तो आप लोग आ सकते हैं गाइस तो मोमबत्ती ले सकते हैं दादा से तो देख सकते हैं यार तो कैसी हो रही भाई ठीक हो रही है मिलता मिल रहा अभी तो गाइस देख सकते हैं जस्ट यार आपको बताया जस्ट गाइस चौक का क्लाउड यार तो काफ़ी तगड़ा क्लाउड रहता है यहाँ तो जस्ट वहाँ तो हमें 24 वहाँ तो सीट खुलती तो चक्कर से मैं मोमो तो नहीं मिल पाए तो गाइस तो अभी यहाँ पर इमदा की दुकान है तो इमदा की दुकान में चौमिन काफ़ी अच्छी बनाते हैं इमदा तो कमल भाई और मैंने सोचा कि आज चौमिन खाते गाइस इमदा की वहाँ पर तो जैसे पहुँच चुके थे अभी हम शॉप में उनकी जैसे पहुँचने वाले हैं शॉप में तो चौमिन में ट्राई कर देंगे गाइस तो उसके बाद मिलते हैं आप लोग को तो गाइस आज आज आ रहे वहाँ पर फोटो आपको बताया तो आज इमदा की दुकान में चौमिन नहीं आएगा गाइस यार तो हमने सोचा कि आएगी दुकान में चौमिन ट्राई करते करके तो यहाँ बताओ ना आज आएगी दुकान में चौमिन नहीं आएगा गाइस पूरा माल समाप्त तो गाइस तो दे देते हैं तो जैसे कमल भाई हमें निकल लें यहाँ से आपको बताया तो आप कुछ और ट्राई करते हैं यार चौमिन मोमो तो मिले नहीं लेकिन कुछ और ट्राई करते हैं कमल भाई और मैं बिल्डिंग चालू होने के बाद तो कैसा व्यू आ रहा है तो गाइस यार एक टाइम में होता था कि अंधेरा होता था देवसी बिल्डिंग के अंदर तो अभी जब शॉपें लगी है तो गाइस तो देख सकते हैं आप लोग यार शॉपें लगने के बाद तो काफ़ी चहल पहल और काफ़ी तगड़ी चमक भी आ रही फील्ड से और आपको देख ही लगा लग ही लगा गाइस तो यार तो देख सकते हैं जस्ट कमल भाई में निकल लिया कमल भाई की शॉप पर गाइस तो क्योंकि ऑनलाइन शॉप क्लोज भी करेंगे और दिवाली के टाइम में बताएं तो पिछड़ा जो माहौल होता है तो गाइस कुछ और ही होता है यार तो गाइस चलते हैं थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से तो मिलते हैं आप लोग से आगे अब तो गाइस घूमते घूमते कमल भाई और मेरे को रात हो चुकी है यार तो जैसे थोड़ी देर कमल भाई की शॉप पे गए थे तो कमल भाई ने शॉप क्लोज करी गाइस तो आपको पता है यार अंधेरा है तो कमल भाई ने शॉप क्लोज करी है गाइस तो जैसे भी आप जा रहे हैं नीचे आपका मिलन की तरफ तो जहाँ आपके आपको बताएं तो चिकन नॉन वेज लगभग काफ़ी फेमस आपको वेज और नॉन वेज का यार गाइस और आपको दिखाते हैं दिल्ली के जो दिवाली के टाइम में पिछड़ा की मार्केट में जो नाइट के टाइम में यार व्यू गए तो काफ़ी तगड़ा आता है नाइट के टाइम में भी यार गाइस तो आपको बताएं तो यार तो देखते गाइस तो चल लेते हैं हम आपको नाइट का व्यू दिखा दें पहले आपको काफ़ी तगड़ा आता है
और जो दिवाली के टाइम में लैंडिंग होती है तो लैंडिंग में तो काफी अल्टीमेट आपको बता देता यार। और जो ऐसे ब्लॉग कर रहा हूँ गाइस, तो काफी दिन बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। और चंदिया भी लैंड कर रहे सकते हैं, गोल भाई लैंड कर रहे अभी तो यार गाइस, और काफी दिनों बाद ऐसे ब्लॉग कर रहे हम लोग यार। आपको बताइए गाइस, तो बीच में आप लोग किसी की चली तो उसे टाइम नहीं मिल पा रहा था। 10K वाले में किया था, यस 10K वाले, 10K वाले सेलिब्रेशन में यार। तो गाइस अब तो आप लोग का काफी प्यार मिल गया मेरे को इस ब्लॉग में, और उस चीज़ भी मेरे करीबन 14,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो आप लोग का इसकी चीज के धन्यवाद गाइस, तो मैं आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और गाइस व्यू दिखा दो, तो गाइस ये देखो व्यू गाइस, तो ये है व्यू अपनी गाइस, आपको बताया तो देख सकते हैं आप लोग यार। तो नाइट के टाइम व्यू है ना, तो बताओ मैं बताऊँ तो यार काफी तगड़ा व्यू आता है यार। और अभी भी देखो गाइस, तो व्यू है ना, मैं क्या बताऊँ इसी व्यू की बात करता, जो दिवाली के टाइम में लैंडिंग होती है ना गाइस, दौड़ में काफी तगड़ा लगता है। और अभी दिखाते हैं मैं आपको जस्ट आपका ये जो दासुल वाला स्टैंड है, तो उसमें अभी स्टैंड के पास हूँ अभी आपका होटल मल पैलेस। तो गाइस देख सकते हैं मल पैलेस में तो लाइटिंग नहीं करी गई यार, कितना तगड़ा लग रहा है जो आई की लाइटिंग देखो ना गाइस। पता नहीं मल पैलेस में क्यों लाइटिंग नहीं करी गई यार, लेकिन जो आई की लाइटिंग है ना गाइस, तो काफ़ी तगड़ी लाइटिंग है आपको दिख रही होगी यार। तो लेकिन जो पिथौरागढ़ का जो व्यू आता है ना गाइस, आप लोगों को बताऊँ तो पिथौरागढ़ का व्यू एक ही तरफ से आता है, जो वरदानी से आता है, तो काफ़ी तगड़ा व्यू आता है वरदानी से यार। और पुलिस वाले अंकल भी देखेंगे आपने पीछे गाइस, तो देख सकते हैं पिथौरागढ़ की मार्केट का यार। तो गाइस आ चुके थे मिलन को चिकन वाले में, और जस्ट में अभी बाहर बैठ गया आपको बताया, तो चिकन सूप ट्राई कर रहा हूँ देख सकते हैं। और कमल भाई आपका पीछे अभी चिकन और ले रहे हैं, कमल भाई के दिखाए तो कमल भाई तो वहाँ आएगा इस, कमल भाई वो रहा अपना जस्ट की बोलो, कमल भाई यहाँ पर बैठ के यहाँ पर खड़े होगी चिकन सूप अभी वो ले रहे हैं चिकन रोल। तो उसके बाद निकलेंगे आपका हम आपका वरदानी की तरफ, गाइस देख सकते हैं आपका जो चिकन कॉर्नर है, तो मिलन चिकन कॉर्नर है, तो गाइस काफ़ी भीड़ आती है, तो दिख ही रहा होगा आपको यहाँ का लाउड। तो गाइस थोड़ी देर में निकलते ऊपर की ओर, तो मिलते हैं आप उसे वरदानी में। तो गाइस मिले में जो मिलन चिकन कॉर्नर था, तो गाइस वहाँ से निकल चुके थे कम वायर में, क्यों मैंने वहाँ पर अच्छे से ब्लॉग इसलिए नहीं किया, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी गाइस आपको बताऊँ तो आप लोगों ने देखी होगी आपको काफ़ी भीड़ थी। और ऐसे कम वायर में मैंने चिकन लॉन पैक करा दिए गाइस, अब चलते हैं वरदानी की तरफ, तो वहाँ से व्यू दिखाते पहले आप लोग को, वहाँ से व्यू आता है गाइस, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा भी दिखता है दौड़ का आपको बताया तो। जब दिवाली में लाइटिंग होती है ना गाइस, तो लाइटिंग के बाद काफ़ी अल्टी में लगता है दौड़ अपना बताया तो UK05। तो गाइस चलते हैं वरदानी की तरफ। जस्ट पहुंचे हुए थे कम भाई, और मैं आपको बताया तो वरदानी की तरफ, तो यहाँ से व्यू दिखाया तो काफ़ी तगड़ा व्यू आता है यार। और जब भी बताएं तो काफ़ी लोग यहाँ फूड सेंसर के लिए आप ही आ रखे बताएं तो आपको, और आपको पीछे देख रही होगी गाइस अपनी UK05 सिटी देख सकते हैं, तो दिखा दें आपको गाइस ये है अपनी सिटी यार, तो दिख ही रहा होगा गाइस। तो दिवाली के टाइम में तो काफ़ी आपको बताया लाइटिंग होने के बाद तो काफ़ी तगड़ा व्यू आता है, और वैसे भी व्यू काफ़ी तगड़ा होता है लाइटिंग के बाद, तो अभी आपको दिख ही रहा होगा गाइस और तगड़ा। तो देख सकते कमल भाई और मैं भी आए थे गाइस यहाँ, और जो अभी का व्यू है ना गाइस, तो क्या बताएं आपको यार। है कमल भाई हा? कैसा व्यू है बेटा, क्या लाइटिंग नहीं रही है गाइस यार, तो दिख रहा होगा आप लोगों को यार, पिथौरागढ़ मार्केट की लाइटिंग गाइस देखो गाइस दूर दूर तक यार बिल्कुल। लेकिन बताऊँ तो जो व्यू है ना गाइस, अभी जो लाइटिंग अब जो नाइट का व्यू आता है, तो काफ़ी तगड़ा बताऊँ मैं वीडियो में बताई ना गाइस, तो आप लोगों को दिख रहा होगा वो चीज़। और यहाँ बताऊँ तो काफ़ी लोग फोटो सेशन के लिए गाइस, देखो काफ़ी फैमिली वाले फोटो सेशन चलता है गाइस।